नमस्कार, मैं हूं राधिका। इंग्लैंड ने लीड्स के मैदान पर बीते मंगलवार टीम इंडिया को 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 8 विकेट से हराया और वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। टी20 सीरीज टीम इंडिया के नाम रही, जिसके बाद इंग्लैंड टीम ने उसी मार्जिन से वनडे सीरीज पर अपना कब्जा जमाया। वनडे और टी20 के बाद अब दोनों ही टीमों की नज़रें 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने पर होंगी, जो 1 अगस्त को बर्मिंघम के मैदान पर शुरू होने जा रहा है। इसी क्रम में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है और जैसा कि सबको अंदाजा था, इस स्क्वाड में कई नाम ऐसे हैं जो हैरान करने वाले हैं। आपको बता दें, अंगूठे की चोट से उबर रहे ऋद्धिमान साहा की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। दिनेश कार्तिक पर भी चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया है, तो वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी करेंगे। पहले 3 मैचों के लिए टेस्ट स्क्वाड में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी जगह नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर तीसरे वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। कुलदीप यादव को टी20 वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन का तोहफा मिला है। वो आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के साथ स्पिन गेंदबाजी संभालेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए पूरी टीम इंडिया। विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, करुण नायर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर।